शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। वरुण जी को मैं नहीं कीर्ति पसंद आई थी, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? ऐसे में तो कीर्ति के साथ भी गलत हुआ ना। अगर उस रात वो हुंडे नहीं आते तो सब गड़बड़ हो जाता। मुझे इस बारे में कीर्ति से बात करनी होगी। वैसे भी हमारा पति तो इतना कमाता है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 4-5 दिन आपसे मिल नहीं पाएंगे ना, तो सोचा मिलते हुए जाऊं। कहीं जा रही है क्या? अपने हनीमून पर। नहीं नहीं नहीं, मैं कीर्ति को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। वो खुश है अपनी शादी से, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें कम से कम कोई तो खुश रहे। क्या लगा तुम सॉरी बोल दोगी और मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। मैं तो गिल्ट में आ गया ना। सब के सब बस ना अच्छा देखते हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या फील कर रहा हूं? अरे मैं तकलीफ में हूं या नहीं? पहले सबके लिए मैं सिर्फ निकम्मा, निखट्टू, आलसी था, पर शादी के बाद से सबका नजरिया बदल गया मेरे लिए। अब सबके लिए मैं अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करने वालों में से एक हूं। अरे शर्म आती मुझे घर से बाहर जाने में। सब लोग मुझे मेरे मुंह पर ताने मारते हैं। दुनिया भर की बुराइयां हैं मुझमें, पर मैं लड़की बात नहीं। तुम्हारी बहन ने तो वो भी साबित कर दिया ना, मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी करके रख दी, किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लोग अपना दुख ना आंसू के बहाने बहा लेते हैं, मेरा क्या? मैं अपना दुख कैसे खत्म करूं? है मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? बोलो श्रद्धा, है जवाब? मुझे तो याद ही नहीं था कि कल करवा चौथ का व्रत है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना कल मेरी भूखी प्यासी प्यारी बीवी को पैंपर कौन करता, है ना? कीर्ति, आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ, अपना मूड मत खराब करो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जितनी बेइज्जती अभय की आज हुई उसके बाद वो ऐसी नीच और घटिया हरकत करने की कोशिश करेगा। ओके चलो देखते हैं कि कल करवा चौथ पे तुम क्या पहनने वाले हो। अच्छा वरुण जी,
हमें नहीं करना करवा चौथ, हमसे व्रत नहीं होगा। अरे तो मुझसे भी कहाँ होता है, लेकिन साथ में मिलके करेंगे ना, तुम मैं और हमारा पहला करवा चौथ। पर कल मैं तुम्हें फिर से दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जानती हो ये करवा चौथ का व्रत बहुत स्पेशल होता है। पूछो क्यों? क्योंकि कल के दिन हस्बैंड अपनी पत्नी को एक स्पेशल गिफ्ट देता है। वरुण जी गिफ्ट? हाँ। चलो अब तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर कल सुबह सरगी के लिए भी तो उठना है ना। अरे वाह, सरगी की थाली तो बड़ी अच्छी सजाई है। भाभी के यहाँ कब जा रही हो सरगी खाने? इस बार सरगी हम ऊपर ही करेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? अरे क्यों से क्या मतलब है आपका? अरे इतना बड़ा हंगामा हो गया, अभय को कीर्ति ने इतना कुछ सुना दिया और आप कह रहे हैं क्यों? आप चाहते हैं कि इसके बाद भी हम नीचे जाके नैना भाभी के साथ करवा चौथ की पूजा करें? अरे आपका पता नहीं, पर हमें और हमारे बेटे को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। हाँ तनुजा जी, रिश्ते बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। जो भी किया कीर्ति ने किया, क्या नैना भाभी और भैया ने उसके साथ दिया? हाँ साथ तो नहीं दिया, पर क्या, नैना भाभी और भैया ने हमारे अभय को एक शब्द तक नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा अभय ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे आप सही कह रहे हैं, पर हमको बार बार कुछ नहीं। तनुजा जी, बच्चों की लड़ाई में सालों पुराने रिश्ते में टूटने नहीं दूंगा। इस साल भी सरगी और पूजा आप नैना भाभी के साथ ही मनाएंगी, समझी? अरे आपके आगे हमारी कभी चली है जो आज चलेगी, पर आपकी खुशी के लिए ना हम वापस उस घर में जाएंगे जहां हमारे अभय की इतनी बेइज्जती हुई है, जाएंगे हम। और अब जा ही रहे हैं तो फिर श्रद्धा को भी बुला लेते हैं। ठीक है, और सुनिए, अच्छी लग रही है? आप तो कुछ भी बोलते। इसने मौके का फायदा उठाया, हमारे कमर में हाथ डालने की कोशिश की और कहने लगा कि तुम गिर रही थी तो हम तुम्हें बचा रहे थे। अरे मुझे बोलने से पहले एक बार खुद को देख लेता ना, उसे भी तो कीर्ति पसंद थी। तुमसे मिलने के बाद कहता है कि मुझे श्रद्धा से नहीं कीर्ति से शादी करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी, आप सो जाइए। अरे तुम ये सब लेके इतना सज धज के इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सरगी के लिए, आज करवा चौथ है ना, तो तुम भी व्रत रख रही हो? जी। देखो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही दिन तुम्हें साफ साफ बोल दिया था हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होगा, ये फिर भी तुम ये सब। देखिए ये मेरा विश्वास है। अरे यार तुम अपना ड्रामा बंद करो ना, तुम दोनों बहनों को नौटंकी के अलावा कोई काम नहीं है क्या? एक को देखो तो वो मेरी इज्जत उछालती रहती है और दूसरी वतन
पता नहीं, बस तुम ये व्रत नहीं रखोगी। मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे लिए फैसला मत लीजिए। मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। देखो, मैंने एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, तुम ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी बस। आ गई हमारी बहू श्रद्धा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।